हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबी शर्मा जी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट का जो एडमिशन होता है वो एडमिशन चालू हो चुका है, उसका लिंक भी एक्टिवेट कर दिया है। तो एडमिशन अप्लाई करने से यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में कह दिया कि जिनका भी अगर एक भी स्टेप अगर गलत होता तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जाके आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट से बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले दोस्त, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आज का इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार ऑप्स का जो ऑनलाइन मतलब कि ऑफिशियल साइट होता है इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही गूगल खोल लेंगे, गूगल को खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है OFSS ऑफिस बिहार लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहला वाला जो साइट है ऑनलाइन फैकल्टी सिस्टम ऑफ स्टूडेंट सिंपल सा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका बिहार का जो ऑनलाइन का जो मतलब कि एडमिशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसका जो फॉर्म होता है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको निर्देश दिए गए, आप देखना पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको बता देते हैं 350 रुपये का फॉर्म शुल्क लग रहा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो 364 रुपये कुछ पैसा कट, यानी लगभग 365 रुपये के तकरीबन कट रहा है पेमेंट, तो यहाँ पे सारा चीज लग जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आपको चेकबॉक्स कर देना है और आवेदन करने के लिए क्लिक करें। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इंटरमीडिएट के लिए सेशन 2022-24 के लिए, ठीक है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल बना, चलिए मैं आपको एक एक करके सारा डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पे BSEB बिहार जो है वो सिलेक्ट रहने दीजिएगा, और यहाँ पे पासिंग ईयर जिस भी ईयर में आपने पासिंग किया है, ठीक है, उत्तीर्ण किया आपने जिस भी साल, वो आपको यहाँ पे साल आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे वार्षिक परीक्षा और या कंपार्टमेंट आपने पास किया वो आपको डालना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे डेट कर दीजिएगा मेंशन, ठीक है, और इसके बाद आपका जो भी मंथ है मंथ मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद जो ईयर है वो ईयर मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे स्कूल का जो रोल कोड होता है रोल कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और आपका जो रोल नंबर होता है आपको यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है। जैसे आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आप मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, और मेंशन करने का जैसे ही बाहर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्च लेकर के उनका जो स्टूडेंट का जो नाम है उसके पिताजी का नाम उसका उसके मम्मी का नाम जो भी वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने का स्क्रॉल करके आप ऊपर कर लेंगे, आप यहाँ पे आपका उनका जो एक पिक होता है ये फोटो आप अपने कंप्यूटर पे जहाँ पे भी रखे हैं वो फोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप अपने फाइल फोल्डर में चले जाइएगा और यहाँ से जो भी आपने फोटो रखा है वो फोटो अपलोड कर दीजिएगा। चलिए वो मैं बाद में करूँगा, स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आप जितने मार्क्स आपको आया है वो भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे उसका स्कूल का नाम जो भी स्कूल का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और स्कूल का जो एड्रेस है यहाँ पे आप जो भी स्कूल का एड्रेस वो मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, पासिंग ईयर ऑटोमेटिक आएगा, तो आपने जिस ईयर में मतलब कि जो साल आपने नामांकन लिखा था तो वो आप ईयर यहाँ पे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे 2019 में इन्होंने नामांकन लिखा तो वो दे दीजिएगा, और उसके जेंडर जो भी है जेंडर मेल फीमेल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके मातृभाषा जो भी एज इट इज रहने दीजिएगा इंडियन वो रहेगा, आपका जो भी धर्म है हिंदू मुस्लिम जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद उसके बाद ब्लड ग्रुप जो भी अगर आपको पता है तो दीजिएगा, नहीं तो आप इसको एज इट इज खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यानी कि आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मैं पूर्णिया से बिलोंग करते हैं यानी कि मेरा छोटा भाई का एड्रेस है तो ये पूर्णिया से बिलोंग करते हैं तो पूर्णिया का एड्रेस। उसके बाद इसका जो ब्लॉक पड़ता है जो भी ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक आप दे दीजिएगा, ठीक है, यानी कि आप जिसका अप्लाई करें उसका ब्लॉक यहाँ पे जो होगा कंप्लीट आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन करना, आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड ऑलरेडी सही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही डालना है तभी जाके आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो उसके बगल में एज इट इज खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो जो भी कास्ट है आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सामान्य अनुसूचित जो भी कास्ट है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिएगा यहाँ पे स्पेल्ड
दिव्यांग है तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस करिएगा, या नहीं है तो नो करिएगा, नहीं करने के उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उस कॉलेज या स्कूल का नाम चूज करना है जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आपको उस कॉलेज का नाम देना है जिसमें सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्टेड है नाम, यानी कि एडमिशन लेने के लिए, यानी कि स्टेप वाइज, यानी कि जितना जिसको फर्स्ट में डालेंगे तो आपको अगर उस स्कूल या कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता तो वहाँ पे एडमिशन होगा, नहीं तो सेकंड वाले पे, नहीं तो डल, यानी कि मिनिमम 10 आपको कॉलेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कैसे करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं इनका एडमिशन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही लेना चाहता हूँ तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कॉलेज का नाम देना है, जो भी कॉलेज का नाम है वो कॉलेज का नाम यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट करना है, जो भी जिस भी कॉलेज में आप उसका नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज है, जैसे मान के चलते एक यहाँ पे पूर्णिया है, चलो यहाँ पे अब मान डाल दिए, ठीक है, उसमें कौन कौन से पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ पे मैं, तो उसका जिसमें भी जैसे मान के चलते इसका आर्ट्स में डालना तो आर्ट्स में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे यस करना, यस करके यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे जैसे यस करेंगे और यहाँ पे सेकेंड वाले पे ऑप्शन करेंगे, या देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जिस भी स्कूल को मैंने चूज करा था वो स्कूल यहाँ पे आ गया, कॉलेज आ गया। फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करना जो भी आपको दूसरा में डालना, यानी कि दूसरा चॉइस डालेंगे, कोई भी कॉलेज कॉलेज का नाम डाल देंगे और उसमें जो भी चीज़ की पढ़ाई होती है वो सेलेक्ट करके फिर से यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे कर करके आपको मिनिमम 10th कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना। चलिए मैं फटाफट भर लेता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ के आप देखिए, मैं यहाँ पे 10 कॉलेज का नाम दे दिया हूँ जिस भी कॉलेज में इसका एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे सारे कॉलेज का नाम मेंशन कर दिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या कहता है, क्या आप अन्य कॉलेजों में और विकल्प भरना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस पे रहने दीजिए, नहीं चाहते तो नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चेकबॉक्स, दोनों चेकबॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, जैसे इसमें सारा चीज फिल करने के बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क भरने के लिए सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडक्शन देगा, यानी कि टोटल मार्क्स के 500 था, आपको टोटल मार्क्स 338 मिला है, आपने 10 कॉलेज को चूज किया, सारा चीज यहाँ पे देख लेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज लोड आकर के आपको एक प्रीव्यू टाइप का दिखा देगा, आप यह सारा चीज एक बार देख लीजिएगा कि आपका सारा चीज सही है, क्योंकि सारा चीज सही होने के बाद अगर एक बार आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे सारा चीज देख लीजिएगा, सारा चीज अगर सही रहेगा तो यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना, अगर आपको मॉडिफाई करना या चेंज करना है तो यहाँ पे बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। चलिए मेरा सारा चीज सही है तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म ओके पे क्लिक कर दो, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन सेव हो जाएगा और आपको इस टाइप का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे लिंक चल जाएगा, वहां से आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपका रिसीविंग जनरेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सारा चीज जानकारी मिल चुकी है। अगर ये वीडियो आपको मैंने सबसे पहले बना करके अपलोड किया हूँ तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, तो दूसरे साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तत्काल जय हिंद, जय भारत।